यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। लास्ट मीटिंग में हमने जब बी आर एस स्टार्ट किया था बेटा, अब बी आर एस में हमने आपको उसका इंट्रोडक्शन बताया था कि बी आर एस का इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारे, यानी कैश बुक और पासबुक जो है हमारे, बताया था मतलब हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा हो तो उस बैलेंस को इक्वल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनती है कहलाती है आपकी बी आर एस, जिसे आप कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं पहला आपको फॉर्मेट बताऊँ, उसका फॉर्मेट क्या होता है आपका बी आर एस का। ऊपर हेडिंग आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ पर वो डेट जिस डेट में बनाई जाएगी, ये कॉलम होता है इसके अंदर प्लस, ये कॉलम होता है इसमें माइनस, और यहाँ पर आते हैं इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो आपके डिफरेंस है उन डिफरेंसेस को जो रीजंस हैं वो आप शो करेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तीन डिफरेंसेस में शो किए जाएंगे, और फिर या तो प्लस में आएंगे या तो माइनस में आएंगे एज पर देयर रूल्स। बैलेंस सबसे पहले क्वेश्चन बैलेंस आएगा, बैलेंस अगर फेवरेबल है प्लस में आएगा, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो माइनस। फेवरेबल बैलेंस चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो प्लस में रहेगा, अनफेवरेबल बैलेंस चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो वो आपका माइनस में आएगा। फेवरेबल बैलेंस आपके प्लस में होते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस आपके माइनस में। आई थिंक कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ आते हैं, प्लस में आते हैं या माइनस में आते हैं, ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में मेन आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डिफरेंसेस के रीजन। अब हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैश बुक और पासबुक डिफरेंस के रीजंस। ये देखते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबका यही है। आपको अगर डिफरेंस के रीजंस पता लग गए चैप्टर में आपको कुछ विशेष दिक्कत वाली बात नहीं आती। कैश बुक के अकॉर्डिंग और आपका पासबुक, ये कैश बुक के अकॉर्डिंग है और ये आपका पासबुक। सबसे पहले मेन डिफरेंस होता है आपका चेक इशू, कैश की जगह क्वेश्चन में ड्रॉन भी लिखा हुआ सकता है, बट इट्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पे। टिल एंड चेक इश्यू किया आपने, यानी चेक किसी को दिया लेकिन साल के आखिर तक वो पेमेंट के लिए अगर प्रेजेंट नहीं हो पाया है, आपने चेक इश्यू किया लेकिन साल के आखिर तक वो पेमेंट के लिए अगर प्रेजेंट नहीं हो पाया है तो उसका क्या होगा, आपका वो पॉइंट आपका कैश बुक से प्लस में आएगा, पासबुक से माइनस में आएगा। दैट मींस क्वेश्चन अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है तो प्लस में आएगा, और क्वेश्चन अगर पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो आपका माइनस में आएगा। दूसरा पॉइंट आता है चेक डिपॉजिट, ये इसकी जगह पर सेंड लिखा हुआ आ सकता है, ये इसकी जगह पर पेड लिखा हुआ आ सकता है। इनटू बैंक बट इट्स नॉट प्रेजेंटेड, इट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल एंड, ये कैश बुक से माइनस और पासबुक से प्लस है। इसका मतलब ये है ये वो चेक है जो आपको किसी से मिले और उन चेकों को आपने बैंक में जमा कर दिया,
लेकिन वो चेक अब तक भी साल के आखिर तक भी पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए, चेक जिससे वो अभी क्लियर ही नहीं हुए, बल्कि इसको हम कहते हैं बट नॉट क्लियर। यस, इसी जगह पे क्रेडिट भी लिखा टिल एंड। थर्ड इंटरेस्ट या तो आएगा अलाउड या आएगा क्रेडिट बाय बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला, बैंक से इंटरेस्ट मिला तो ये इंटरेस्ट कैश फ्यूचर प्लस में आता, कैश फ्यूचर का माइनस में आता। इसका उल्टा इंटरेस्ट चार्ज या डेबिटेड बाय बैंक ने हमसे इंटरेस्ट ले लिया, ये कैश फ्यूचर माइनस और पास प्लस। फिफ्थ पॉइंट, बैंक चार्जेस डेबिटेड, मैं यहां पे लिखा हुआ आएगा चार्ज बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से खर्चों का पैसा काट लिया, बैंक ने हमारे अकाउंट से खर्चों का पैसा काट लिया, बैंक ने चार्जेस जो है हमारे अकाउंट से काट दिए, तो बैंक चार्जेस कैश माइनस पास। सिक्स पॉइंट है कि अगर किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, अगर किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसा डायरेक्ट जमा कर दिया, कस्टमर से पैसा लेना था आपको, कस्टमर ने पैसा ना देके पैसा सीधा आपके अकाउंट के अंदर जमा कर दिया, तो डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, बैंक ने हमारे अकाउंट में, सॉरी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा हमारे अकाउंट के अंदर, अगर कस्टमर डायरेक्ट पैसा हमारे अकाउंट के अंदर जमा कर दिया तो कैश फ्यूचर प्लस पास फ्यूचर माइनस। सेवेंथ पॉइंट, एनी चेक या बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर कहते हैं बाउंस बाय बैंक, कोई चेक या कोई बिल जो है डिसऑनर हो गया बैंक के द्वारा, यानी चेक बाउंस हो गया हमारा, उस स्थिति में बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट देगा, या फिर कैश फ्यूचर माइनस या पास फ्यूचर प्लस। ऐसे मेन तो सात ही पॉइंट होते हैं हमारे, लेकिन दो पॉइंट कुछ में कभी कभी हमारा और आ जाते हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ आपको। एनी एक्सपेंस डायरेक्टली चार्ज या पेड बाय बैंक, कोई खर्चा डायरेक्ट बैंक ने हमारे अकाउंट से पे कर दिया, जैसे हमने बैंक से इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए कह रहा था, तो बैंक ने सीधा हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे कर दिया, तो बैंक अगर कोई खर्चा डायरेक्ट हमारे अकाउंट से पे कर देता तो वो पैसा कैश से माइनस होगा और पास प्लस होगा। और लास्ट पॉइंट, एनी इनकम डायरेक्टली कलेक्ट बाय बैंक, कोई इनकम डायरेक्ट बैंक ने कलेक्ट कर ली, डायरेक्ट बैंक को जो है वो
मिल गया, सीधा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया। तो सीधा पैसा अकाउंट में जमा हो गया तो कैश फ्लो को बढ़ा दो या पास को घटा दो। तो ये मेन 9 पॉइंट है जो हमारे रीजन ऑफ बिजनेस से आते हैं। इनसे अलग पॉइंट भी आते हैं, लेकिन जो अलग पॉइंट आते हैं उनमें हम तभी बैठ के अपने हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। बाकी 9 पॉइंट जो है इन्हें आप अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आपको हल्के से याद हो जाएंगे, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि इन पॉइंटों को हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल कर देते हैं। सीधा प्लस माइनस जो है इन पॉइंटों को डायरेक्ट क्वेश्चन में कर देते हैं। तो इन पॉइंटों को आप पढ़ लेंगे, थोड़ा याद सा कर लेंगे, तब हम आपके इसको न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आपके न्यूमेरिकल्स जो फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक आएगा आपका, वो आएगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसको आप कह सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसके न्यूमेरिकल्स हम आपके कल स्टार्ट करेंगे। कि अगर हमारे क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस दे रहेगा कैश बुक का या डेबिट बैलेंस दे रहेगा कैश बुक का, तो उसके आधार पर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता, जो फॉर्मेट आपको सिखाया मैंने उसी फॉर्मेट के आधार पर, तो ये न्यूमेरिकल्स हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।